नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव अब सामने हैं और कल नामांकन होना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की भी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें से तालवेट ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। चूँकि मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार ब्लॉक प्रमुखों की छपती रही हैं, चर्चाएँ होती रही हैं और दो दिग्गज आमने सामने हैं, इसको लेके लोगों में चर्चा हैं और आज जो है नामांकनी का पर्चा भी लिया गया है। 11 पर्चे लिए गए हैं, बीजेपी और कहीं के कुछ निर्दलीय हैं, उन सभी ने पर्चा लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हुए हैं विजय सिंह गोलू राजा के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर। गोलू राजा का स्वागत है आपको। सबसे पहले तो बधाई हो, आपके लिए बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आपको जैसे टिकट घोषित हो गई है? सबको बहुत अच्छा लग रहा है, पब्लिक में हर्षोल्लास है, लोगों को उम्मीद भी थी कि टिकट हमको मिलेगा। अच्छे लोगों जो भी हमारे शहर के लोग हैं, जो भी गणमान्य शहर के लोग हैं, उन्होंने सबने चाह था कि टिकट मिले और आज इतनी बड़ी पार्टी से मुझे टिकट मिला है, उसकी भारी खुशी है। अच्छा, कौन कौन सी विजन को लेकर आप इस चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, विजन सिर्फ एक है, विकास, और दूसरी चीज़ ये है कि हमको भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म करना है। जो भी हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे योगी जी, सब लोगों का यही एक फंडा है और हम लोगों की सोच भी यही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 साल पहले सरकार चली और जो 4.5 साल से सरकार चल रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। गुंडा माफिया सब पूरी तरह जमा हुए हैं, जो भी बदमाश पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, कितने इनकाउंटर्स, कितने लोगों को जान माल का जो खतरा था, सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा दी गई, व्यवस्था हुआ, तो इसी फंडे में हम लोगों को आगे बढ़ना है कि विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छे काम हों गाँव गाँव में, लोग ब्लॉक के जो काम गाँव में होते हैं वो काम होने चाहिए, जो धरातल पर होने चाहिए, कागजों में होते हैं धरातल पर आने चाहिए। अच्छा, आप जैसे देखने में आता है, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत की बात हो, बड़े माफिया इसमें छाए रहे थे, माफिया राज, ये कहें कि जितना भ्रष्टाचार अगर होता है तो इन्हीं तीनों ब्रांचों में होता है, तो ऐसे में आप जैसे पढ़े लिखे पहुंच रहे हैं और जनता का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो निचले लेवल का भ्रष्टाचार वो आज भी है, उसको लेके आपकी तरफ से क्या विजन रहेगा और कैसे चलाएंगे? भ्रष्टाचार शुरू होगा निचले स्तर से, आप बोल रहे हैं कि निचले स्तर पर आज भी भ्रष्टाचार है, तो जो लोग ऊपर की इकाई में बैठे उनको उसको संभालना पड़ेगा। जब तक वो खुद सही नहीं होंगे तो आप नीचे के आदमी सही नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अगर आप खुद सही कर पाओगे तब आप दूसरे को बताओगे कि भाई ये भी चीज़ गलत दिखी, आप गलत कर रहे हैं, जैसे भी इस तरीके से। अभी आपकी ही पार्टी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई गई 21 साल की लड़की, तो ये तो विजन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखों को सामने लेके आना चाहती है और उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, और आप लोगों को अब ये जरूर है कि आप किस तरीके से टीम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लेके आएंगे, और एक चीज़ और, किस तरह समर्थन आपको इस समय मिल रहा है लोगों का? बहुत भारी समर्थन है और ब्लॉक में जो मेंबर्स हैं उनका समर्थन तो है ही मुझे, जो हमारे क्षेत्र की जनता है उसके दिल में ये बात है कि ब्लॉक प्रमुख केवल और केवल विजय सिंह गोलू को ही बनना चाहिए। पूर्व में कैसे रहे ब्लॉक प्रमुख, आपने समझा होगा, देखा होगा? बिल्कुल समझा देखा, इसीलिए हमने सोचा, विचार करने में हमको समझ में आया गया कहीं ना कहीं अब हम लोगों को जनता के बीच में जाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इतने सालों से हम भ्रष्टाचार देखते हुए आ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन 4.5 साल की सरकार, अब ये चुनाव हुए जिला पंचायत के चुनाव हुए, आने वाली फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जी, उसमें आपको और समझ में आएगा और विजन लोगों को क्लियर होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। युवाओं का रुझान भी बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। आज सबसे ज़्यादा अगर युवा कनेक्ट करता है तो भारतीय जनता पार्टी से करता है। अच्छा, आपके यहाँ के मंत्री विधायक सांसदों का क्या रोल है? वो सब अपना जो उनका विधायक जी हैं हमारे माननीय रामचंद्र जी, वो बिल्कुल जिस तरीके से काम करना चाहिए, क्षेत्र की जनता भी देख रही है कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी, बिल्कुल लोगों के बीच में, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि रात को तो आप 12 बजे भी उनको फ़ोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं। पुराने ज़माने में आपने विधायकों के नक्शे देखे, फोन उठाते, फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, विधायक बन जाते हैं तो जनता को फिर निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, लोगों को देखते नहीं हैं, गरीब लोगों की बात नहीं सुनते। हमारे विधायक जी तो इतने सरल हैं कि आप उनके घर जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि विधायक का घर, वो जैसे पहले थे वैसे ही आ, वैसे आ जाए, जैसे मंत्री का भी बिल्कुल ऐसे खुले में, कहीं कहीं मंत्री शादी में जबरदस्ती भी लगते हैं। अब वो देखिए व्यक्तिगत
कुछ भी व्यक्तिगत जीवन भी जरूरी है ना, मानव स्वभाव है, इसमें कोई गलत है। तो आपका विजन विकास का हो गया क्या, अभी चार साल में आपके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ कुछ बताएंगे? हमारे क्षेत्र में तो पार्टी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से तो ललितपुर जिले में देखिए आप मेडिकल कॉलेज आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, ऐसी बड़ी बड़े योजनाएं आ रही है, कई फ्लाई ओवर मेडिकल हब बन रहा है, ये सब ओवरब्रिज भी बन चुके, बन रहे ओवरब्रिज बन रहे हैं, पिछले ब्रिज भी बन रहे हैं, हमारे सांसद जी ने इतना सारा काम, सड़कों का भी, सड़कों का पूरा विकास जाल फैला दिया है। आप भी आए होंगे, तालगढ़ की बड़ी समस्या है, अभी हम देख रहे थे कुछ समय पहले कि आपके ही टैंकर चलाए जा रहे थे, उस पर लिखा था जे के सिंह करके आपके बड़े भाई का, भाई साहब का नाम चल रहा था, आप लोग पानी की सप्लाई भी कर रहे थे, तो उस टाइम पे थोड़ा समाज विचार में आया कि साढ़े चार साल सरकार को हो गए अभी तक पानी, तालगढ़ की पानी की समस्या है उसको लेके कुछ नहीं, उसके लिए गंभीरता से सरकार विचार, जब आप पानी तो पिला रहे हैं पैसे से टैंकर भेज रहे हैं, योजना जो आई है किसी के हर घर में नल लगेगा, घर में पानी आएगा, उसके लिए पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टैंक्स बन रहे हैं, सब चल रहा है काम, वो धीरे धीरे काम क्योंकि अभी शुरू हुआ है, आपको दो तीन साल के अंदर ही अंदर बहुत बड़ा फर्क दिखा जाएगा कि टैंकर वैंकर भी चल रहे हैं, ये सब बन गया। अच्छा, ग्रामीण अंचल चूंकि बड़ा है आपका, पूरा कला क्षेत्र भी आता है, पूरा कला क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है, जैसे वहाँ पे अभी ये कहें कि एक बड़ा विद्यालय भी नहीं है बच्चियों के लिए पढ़ने, 50,000 हमारे सांसद जी ने अनाउंसमेंट कर दिया वहाँ विद्यालय बनना, नहीं गोलू राजा जी आते हैं तो उस पर भी अप्रोच करेंगे, चूंकि आप पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी, वो भी आपका ब्लॉक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल आता है, हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे, कोई गोलू अकेले तो काम कर नहीं सकते, जैसे गोलू कोई अकेले काम नहीं कर सकता, हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, हम तो बहुत छोटी इकाई हैं, हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, पूरा संगठन है। एक चीज देखने में आती है कि जो प्रत्याशी जैसे ब्लॉक प्रमुख बन गए तो ब्लॉक प्रमुख की जो निधि है उसी पे काम होता है, लेकिन इस समय आपको एडवांटेज रहेगा कि आपकी सरकार है, सांसद विधायक मंत्री प्रभारी मंत्री तमाम मंत्री आपके हैं, तो और वो चीजें जो बड़े मुद्दे शायद जो सांसद लेवल के काम है, लेकिन गोलू राजा जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो अपने मौका मिला जनता के लिए कुछ कर सके उस पर तो फोकस रहेगा ना, विशेष तौर पर फोकस वही है, काम ही हमारा वही, हमारा जॉब ही वही है कि जनता का कोई भी काम ऐसा ना हो जो रुके, विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए, काम होना चाहिए, ब्लॉक में जो निधि आती है उससे काम होना चाहिए, उस निधि से जो भी पूर्व में लोगों ने किया वो इस पार्टी तो इंडस्ट्री चला रहे थे एक प्रकार की, वो बिजनेस यहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा, आखिरी प्रश्न रहेगा, चुनाव कल आपको जैसे नामांकन करने जाना, नामांकन के बाद फिर अगले दिन वोटिंग है, तो इसको लेके क्या तैयारियाँ हैं कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारियां हैं, पूरा शहर वोटिंग में हमारे नामांकन में हमारे साथ जाने को तैयार बैठा है, कल आप आइए, क्योंकि ललितपुर की सबसे वीआईपी हॉट सीट अगर इस समय कहा जाए तो तालगढ़ ब्लॉक प्रमुख की चुनाव है, और बड़ी चर्चा है जिले भर में, चर्चा है अब थोड़ी सी घटनाक्रम पर डीएम साहब के साथ लगातार चर्चा हुई है, तो बड़ी चर्चा का विषय है तालगढ़ ब्लॉक प्रमुख की चुनाव, पहले मणौरा का सुना जाता था ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की चर्चाएं, लेकिन अब की धार प्रत्याशी दोनों ऐसे हैं कि उनकी चर्चाएं हो रही हैं, तो ब्लॉक प्रमुख की चुनाव को लेकर कल नामांकन है और गुरु राजा का नामांकन भी करेंगे उसके बाद प्रार्थी हैं। अच्छा, एक लास्ट में एक कहेंगे कि अभी वर्तमान में क्या माहौल है आपके बीच में, अभी कुछ चीज़ों कुछ दिनों पहले कुछ राजनीतिक बातें आई, आप लोगों पे आरोप भी लगे कि जो वर्तमान प्रत्याशी है उनके खिलाफ में कुछ माहौल बन रहा है, इसको लेके कुछ कहेंगे, आरोप लगे हैं जो हमारे कि आपको बदनाम करने की कोशिशें चल रही कि गुरु राजा कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं राजनीतिक सरकार में, कहीं सरकार में है तो कुछ उसका पावर का दुरुपयोग किया जाए, आप अपराध करोगे तो केस लिखा जाए, ये बहुत सीधी सीधी बात, और अपराध आपने किया है आपके ऊपर केस लिखा गया है, अब मामला अगर न्यायालय में जाता है तो वो जाँच करे, वो न्यायालय उसको देखेगा, पुलिस अपनी जाँच रिपोर्ट लगाएगी, और आप ये बताओ कि कोई भी आदमी किसी भी कहने के किसी पर भी फर्जी मुकदमा लिख देगा, ऐसे कैसे लिखते हैं सबूत तो जुटा, कुछ ना कुछ तो बात होगी तब तो, अगर कोई आदमी आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है, हमको पकड़ा है, हमको पकड़ के ले गए, तो वो आदमी खुद जाके ये बोल रहा है ना, कहीं विजय सिंह गोलू तो नहीं बोल रहा, मतलब विजय सिंह गोलू का नाम लेके राजनीतिक फायदा भी तो उठा सकता है, लोग उठा रहे होंगे, वो फायदा लोग उठा रहे होंगे तो बात सामने आएगी, उसमें कहाँ दिख रहा है। चलिए, गोलू राजा जी थे और इनके साथ आज अच्छी चर्चा हुई है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, कल नामांकन है और परसों वोटिंग है और उसी के बाद रिजल्ट है, देखते हैं दो दिन में क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।